हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीजी सैंडविच, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बॉईल किया हुआ आलू लिया है, इसे मैं छील कर कद्दूकस करूंगी। बारीक कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी धनिया, टोमेटो केचप, कॉर्न, हरी मटर, सेजवान चिक्स लिए मैंने, चाट मसाला, चीज स्लाइस लिए हैं, मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। मैं एक बाउल लूंगी, आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे बाउल में डाल देंगे। अब पेस्ट को तैयार करेंगे, डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, जिनको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया था। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारे सैंडविच में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर डाल सकते हैं। अब हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और चम्मच की सहायता से टोमेटो सॉस लगाएंगे चारों तरफ। ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस ही यूज किया है। अब चम्मच की सहायता से इस चटनी को चारों तरफ से फैला देंगे। से रखेंगे चीज स्लाइस, ऊपर से रखेंगे ब्रेड और हाथ से कवर कर देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे सैंडविच बना लेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ इसे आप झटपट बना सकते हैं।
मैंने गैस पर तवा रख दिया है, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बटर डालेंगे। चम्मच की सहायता से चारों तरफ बटर को फैला देंगे। तो सैंडविच को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो सैंडविच हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी नेम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनकी करेंगे प्लेटिंग। तो तैयार हो चुका है हमारा चीजी सैंडविच, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।